हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? आज आ गए हैं बच्चों आपके बच्चों न्यू टॉपिक में केमिस्ट्री के, जिसमें मैं आपको एसिड बेस की और सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों कराने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू करेंगे। मैं दो पार्ट में बच्चों इस चीज को कैटेगराइज कर देता हूँ, प्रॉपर्टी को। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रॉपर्टी को पढ़ने का, क्योंकि एक तरीके से डिफरेंस मिल जाता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का। और कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये भी रिपीट हो जाता है कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों बताइए, तो उस समय आपको ये डिफरेंस बहुत काम का मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा और आपने समझा हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ओके, तो जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो सबसे पहले बच्चों मैंने डाला फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, आप एसिड को खाते हो तो कैसा लगता है आपको बताओ? एसिड को खाते हो तो कैसा लगता है? खट्टा लगता है बच्चों। कैसा लगता है? खट्टा। क्यों लगता है खट्टा? क्योंकि जब आप एसिड को खाते हो, भाई एसिड को कैसे खा सकते हैं? जब आप ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, कर्ड हो गया बच्चों आपका, ठीक है, तो इनको खाते हो तो खट्टी लगती है ना आपको। कड़ी खाते हो तो खट्टी लगती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खट्टी लगती है, ठीक है। चींटी खाते हो तो आपको खट्टी लगेगी, तो कोई नहीं खाता होगा चींटी। तो क्या बोलते हैं, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, जिसकी वजह से अगर चींटी को किसी दिन खा लिया तो खट्टी लगेगी बच्चे वो, ठीक है। तो एसिड जिसमें भी होता है वो आपका खट्टा होता है। एसिड जिसमें भी होता है वो आपका क्या होता है? खट्टा होता है बच्चों। ओके, तो इतनी बात आप समझ गए। तो सबसे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? एसिड आर सोर इन टेस्ट, खट्टा होना। क्या होना? खट्टा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो एसिड होता है, और अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हो बच्चों, अगर आप ज्यादा खट्टा खाते हो, कम खट्टा खाते हो, कैपेसिटी सबके अलग अलग होती है, लेकिन भाई हमारा तो हाल कुछ अलग ही है, तो हम तो ज्यादा खट्टा खा नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीजें खट्टा खाते हैं, लेकिन किसी किसी की हालत कुछ ऐसी भी हो जाती है, ठीक है, तो इतना खट्टा ना खाओ भाई कि ऐसी हालत हो जाए तुम्हारी। दूसरा, एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। एसिड टर्न करता है ब्लू लिटमस को किसमें? रेड में। तो ब्लू लिटमस जब रेड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कौन कर रहा है ब्लू को रेड में? एसिड, ठीक है। और दूसरा है एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक सॉल्यूशन, एसिड को जब पानी में डाल दोगे बच्चों आप, ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा, और जब वो एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी एसिड में आप पानी डालोगे तो सभी के सभी एसिड आपको क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन। सभी के सभी एसिड आपको क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन। और हाइड्रोजन आयन होने की वजह से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी? कंडक्ट। तो कभी भी आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैंने करवाया भी है आपको, तो आपका जवाब ये होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। बताओ क्या होगा आंसर आपका? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। रिपीट करो एक बार, क्या बोलोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इतना बच्चों क्लियर हो गया आपको। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी हुई है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, सीबीएसई के पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भाई सीबीएसई वालों, रिएक्शन याद रखना नेसेसरी है। अगर सीबीएसई वाला लड़का या लड़की, कोई भी बंदा बंदी देख रही है भाई, तो भाई ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना नेसेसरी, केमिकल रिएक्शन याद रखना नेसेसरी, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड बोर्ड का तो सिंपल सरल क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में घूमे हुए क्वेश्चन आएंगे। सीबीएसई बोर्ड में रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, तो पहले आपको रिएक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रिएक्शन की नॉलेज आपको दे सकूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज को नोट कर लो, फिजिकल प्रॉपर्टी को, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी करते हैं स्टार्ट। तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? बहुत सिंपल है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बच्चों कि एसिड रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जिसको हाइड्रोजन गैस बच्चों कौन होती है? हाइड्रोजन गैस आपकी पॉप साउंड वाली होती है। कौन सी साउंड वाली होती है? पॉप साउंड, जो पट से हेड साउंड देती है आपका, ठीक है। तो पॉप साउंड का मतलब है, अगर बर्निंग कैंडल हाइड्रोजन के पास ले जाओगे तो आपको पॉप साउंड देगी, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस।
तो बच्चों एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब जरा इसके बारे में हमें पढ़ना है अच्छे से, तो मैं कुछ चीजें आपको लिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक सीरीज के बारे में बच्चों, आगे जाके पढ़ेंगे हम उस सीरीज को। उस सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ एलिमेंट्स होंगे हमारे जो ऐसे अरेंज करे गए हैं कि ज्यादा रिएक्टिव वाले को ऊपर रखा गया है और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो कम रिएक्टिव होते जाएंगे। तो उसका याद करने का तरीका है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। कुछ हरे सिल्वर गोल्ड। तो बच्चों इस तरीके से आप इस सीरीज को याद रख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चों इस सीरीज में नीचे आएंगे, जैसे जैसे इस सीरीज में नीचे आएंगे तो हमारी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है मतलब ये सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा खतरों का खिलाड़ी, के खतरों का खिलाड़ी, ठीक है। तो के जो है बच्चों वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा। उसके बाद उससे जो कम रिएक्टिव होगा वो सोडियम होगा, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम होगा, उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम होगा, उससे कम रिएक्टिव एल्युमिनियम होगा, उससे कम रिएक्टिव जिंक होगा, और ऐसे ही एज शोन एज ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो रिएक्शन सबसे पहले मेरी क्या है, रिएक्शन मान के चलो सबसे पहले मेरे पास एग्जाम्पल नंबर वन इसका ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन इसका ले लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी में जिंक। जिंक और एसिड से रिएक्ट होगी बच्चों। एसिड, एसिड कौन होगा? या तो किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और बगल में एक्वस लिखना मत भूलना अच्छे बच्चों। और एक्वस लिख दिया तो नीचे डाइल्यूट लिखना मत भूलना, डाइल्यूट इसका मतलब पानी मिक्स है इसके अंदर। और यहाँ पे जिंक लिखा हमने और जिंक के बगल में सॉलिड लिखा, क्योंकि मेटल है, मेटल सॉलिड होता है नेचर में, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे यही चीज नहीं दिखाते कि भैया जिंक के बगल में सॉलिड लिखना है क्योंकि मेटल सॉलिड है। हमने एसिड को पानी में डाल दिया, तो जब एसिड को पानी में डाल दिया तो कोई भी चीज बच्चों पानी के साथ हो जाती है तो उसे एक्वस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस। तो एक्वस या तो डाइल्यूट आप नीचे लगा सकते हो, क्लियर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो जरा सेकेंड, चलो इसको ही देख लो। अब ये बताओ ये रिएक्शन हमको करनी है, प्रोडक्ट बनाना है, ये रिएक्शन हमको करनी है, प्रोडक्ट बनाना है। तो आ जाओ जरा सीरीज पर, क्योंकि यहां पे दिक्कत की बात ये है बच्चों कि मेटल जो है ना, मेटल जिंक मेटल, जिंक मेटल अपनी पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है। कौन सी वैलेंसी शो करता है? पॉजिटिव। प्लस वैलेंसी शो करता है, प्लस वैलेंसी। इसके ऊपर प्लस टू वैलेंसी होती है। कितनी वैलेंसी होती है? प्लस टू वैलेंसी। ध्यान रखना है, आप लोगों ने KLMN में पढ़ा होगा प्लस टू वैलेंसी, प्लस वन वैलेंसी। तो जिंक की कितनी होती है? प्लस टू वैलेंसी। कितनी होती है? प्लस टू। और ये आगे वाला हिस्सा जो हो गया कार्बन हाइड्रोजन का, वो हो गया प्लस। और सल्फेट की कितनी होती है? टू माइनस। सल्फेट की कितनी होती है? टू माइनस। रिएक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रिएक्शन करने का तरीका बता रहा हूँ। रिएक्शन अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि रिएक्शन को रटा नहीं जा सकता, रिएक्शन को समझा जा सकता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए और अच्छे से रिएक्शन को समझ लीजिए। जिंक जो है, जिंक जो है अपनी प्लस टू वैलेंसी दिखाता है, हाइड्रोजन अपनी प्लस वन वैलेंसी दिखाता है, और सल्फेट अपनी टू माइनस वैलेंसी दिखाता है। और बाय नेचर जो इधर मेटल है वो पॉजिटिव नेचर का है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर दोनों है, दोनों आपस में टूट गए। अब ये नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा बच्चों? ये नेगेटिव SO4 कहाँ जुड़ेगा? नेगेटिव इधर वाले किसको अट्रैक्ट करेगा? इधर पॉजिटिव ही है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेगेटिव वाला SO4 बच्चों इधर अट्रैक्ट हो जाता है। नेगेटिव वाला SO4 कहाँ अट्रैक्ट हो जाता है? ZN में अट्रैक्ट हो गया। तो बच्चों जब ये ZN में अट्रैक्ट हो गया और SO4 इसके पास चले गया, तो जिंक की वैलेंसी कितनी है? प्लस टू, जानते हैं सब। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? माइनस टू। क्रॉसिंग कराएंगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा? ZnSO4 बच जाएगा बच्चों। क्या बच जाएगा? ZnSO4। और बगल में लिखना पड़ेगा एक्वस। क्या लिखना पड़ेगा? एक्वस। इसको बोलते हैं बच्चों जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। इसको बोला जाता है जिंक सल्फेट। क्लियर हो गया इतना?
क्या रह गया यहाँ पे, एच टू रह गया हमारे पास। तो एच टू जो रह गया वो हमारा बाहर निकल जाएगा रिएक्शन से एच टू, और बगल में जी दिखा देंगे और ऐसे एरो दिखा देंगे, ऊपर के साइड एरो दिखा देंगे। तो बच्चों ये आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। ये आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई। इस तरीके से बच्चों रिएक्शन करनी है आपको। किसी बच्चे का सवाल होगा कि भैया जब आपने इधर ऊपर पॉजिटिव दिखा दिया है तो यहाँ पे आपने H2 क्यों लिखा, तो बेटा आपकी बात यह है कि जिंक के ऊपर जो आयन है ना, जिंक के ऊपर जो आयन है वो बस मैंने इसलिए दिखाए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे जुड़ेगा। तो Zn2+ 2 नेगेटिव वाले से जुड़ेगा, ये रोल अदा नहीं करते हैं, ये बस फॉर्मेलिटी के लिए दिखाए गए हैं ताकि आपको रिएक्शन करने का पैटर्न पता चल जाए, ठीक है। इसका असली जो रोल है वो यहाँ पर होता है, इसका असली जो काम है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना होता है कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और रिएक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव लिखना नहीं होता है, पर मेंशन अगर कर दोगे तो उसे आसानी हो जाती है ये पता करने में कि कौन किससे चीज जुड़ेगी। क्लियर हो गया इतना आपको, क्लियर हो गया? तो इतना अगर क्लियर हो चुका है और क्लियर भी दिख रहा है, वाह कितना क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो है बच्चों वो मुझे करके दिखाइए, दूसरा पॉइंट मुझे करके दिखाइए, आप एल्यूमिनियम का करके दिखाइए। चलो एल्यूमिनियम जो मेटल होता है बच्चों आपका सॉलिड होता है नेचर में, ठीक है, और इसकी रिएक्शन HCl से करके दिखाओ। चलो मुझे एक्वस HCl, ठीक है, साथ साथ काम चलेगा, ये मत सोचना कि छोड़ दूंगा तुमको, छोड़ूंगा नहीं। तो क्या बोलते हैं, फटाफट नहीं करना है, चाहे जितना भी टाइम लग जाए इस वीडियो में, चाहे मैं यही करा दूं आपको सिर्फ अकेला, ठीक है, और बंद कर दूं वीडियो उसके बाद ये समझाकर, लेकिन आपको ये आपके जहन में उतर जाना चाहिए, आपके ब्लड में घुल जाना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो इसलिए करो इसे एक बार, ट्राई करो एक बार, अच्छे से ट्राई करो इसे, पॉज करो ट्राई करो इसको, अच्छे से पॉज करो ट्राई करो, ट्राई करना नेसेसरी है बच्चों, ट्राई करना नेसेसरी है। ट्राई करोगे गलती करोगे, ट्राई करोगे गलती करोगे, उस गलती से जो सीखोगे वो हमेशा याद रहेगा। ट्राई करोगे गलती करोगे, उस गलती से जो सीखोगे वो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो करो इसे ट्राई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने ठीक ट्राई करा होगा, या गलत भी करा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ट्राई तो करा, ठीक है। नालायक होंगे वो बच्चे जिन्होंने ट्राई भी नहीं करा। तो इधर देखो जरा, मेटल हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों, ये सारे पॉजिटिव हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इनको पॉजिटिव वाला लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव लगेगा बच्चों। एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव क्यों लगेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के आखिरी में इलेक्ट्रॉन 3 आते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है उसके आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2.8.3, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उसकी वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, +3 होगी। तो मैं +3 इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव बस रिएक्शन को करने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। हाइड्रोजन आगे वाला हमेशा पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। भाई एक नेगेटिव क्यों लगाया सर जी, इसके बारे में बताओ। सर आपको सब बताएंगे, सब, बस पेशेंस रखना, ठीक है। 2.8.7 भाई यह है नॉन मेटल, और नॉन मेटल की कन्फिग्रेशन क्या है क्लोरीन की, 2.8.7, साथ में कितनी कमी, साथ में एक की कमी। अगर बच्चों एक की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा कोई एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसकी -1 होती है, ठीक है। ऐसी आपने सल्फर की पढ़ी होगी, 2.8.6, इसकी कितनी होती है, 6 में कितनी कमी 8 बनने के लिए, 2 की कमी। और जब कमी की बात हो रही है तो कमी के लिए बच्चों -2 लगाना है। फास्फोरस 2.8.5, 5 में कितनी कमी 8 बनने के लिए, 5 में 3 की कमी 8 बनने के लिए, तो अगर 3 की कमी है तो क्या लगाना है, -3 लगाना है। क्लोरीन मैंने आपको समझा दिया, 7 में कितनी कमी, 1 की कमी, ठीक है। सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम 2.8.1 आखिरी में बना रहे, तो 1 वाला लूज करेगा, 1 वाला क्या करेगा अपने में से एक निकाल देगा, तो अपने में से एक निकाल देगा तो +1, ठीक है। और मैग्नीशियम 2.8.2 अपने में से 2 निकाल देगा, तो 2 निकाल देगा तो +2। एल्यूमिनियम 2.8.3, तो आखिरी में 3 है, अपने में से 3 निकाल देगा तो +3। इस तरीके से बच्चों चेक करी जाती है वैलेंसी, इस तरीके से चेक करी जाती है वैलेंसी। अगर जिसको ना आता हो उसको मैंने समझा दिया, ठीक है। सल्फर में 2.8.6, 6 में कितनी कमी बच्चों पार्टी, 6 में कितनी कमी, 6 में 2 की कमी, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा, -2। 5 में कितनी कमी, आखिरी में 5 है तो कमी देखनी है, -3, ठीक है। 7 में कितनी कमी, 8 बनने के लिए 1 की कमी, तो -1। लेकिन यहाँ पे तो आपके 1, 2, 3 आ गए आखिरी में, तो जिसके आखिरी में 1 है उसकी +1, जिसके आखिरी में 2 है उसकी +2, जिसके आखिरी में 3 है उसकी +3, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप बैलेंसिंग करते हो, नोट करना है तो कर लो, ओके इतना समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लगाया समझ गए। अब ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव वाला इसके पास जाएगा,
तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन, ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम की वैलेंसी प्लस थ्री, क्लोरीन की वैलेंसी माइनस वन, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो थ्री मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा AlCl3। बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे AlCl3, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर। अरे ये क्या कर दिया, यहाँ पे तो एक एच है, यहाँ पे तो दो एच है, कन्फ्यूजन, ठीक है। तो बच्चों कन्फ्यूजन का सीधा सा आंसर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज रिएक्शन क्यों कर रही है, कोई भी चीज रिएक्शन इसलिए कर रही है ताकि वो स्टेबल हो सके। आप बताओ पढ़ क्यों रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप पढ़ क्यों रहे हो? तो आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप अपने में स्टेबल होना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप लाइफ में आगे सेटल होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो। हम पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहता हूँ। सब यूट्यूब पर क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। तो जी ऐसा है कि सब अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो भाई ये क्यों पीछे रहे स्टेबिलिटी में? तो जब भी कोई चीज की रिएक्शन हो रही हो, आप जानते हो कि गैस हमेशा, चाहे कोई सी भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो फ्लोरीन गैस हो, चाहे वो क्लोरीन गैस हो, आपके एक से लेकर 20 तक में इतनी गैसें आती हैं। तो अगर वो रिएक्टेंट की साइड होगी, इधर की साइड को रिएक्टेंट साइड बोलते हैं, इधर की साइड को प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, तो अगर वो रिएक्टेंट की साइड होगी और अकेली होगी, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे अकेला है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, अकेला है, तो अगर कोई भी गैस रिएक्टेंट साइड में अकेली होगी, लेकिन प्रोडक्ट में वो डुप्लेट बना लेगी, प्रोडक्ट में वो मॉलिक्यूल बना लेगी, ठीक है। क्योंकि HCl मेरे पास एक नहीं है, HCl मेरे पास बहुत सारे हैं। तो जब H+ टूटेगा सॉल्यूशन में, तो H और H आपस को ढूंढ के हाइड्रोजन गैस बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक समझ के मत चलो, यहाँ पे बहुत सारा एसिड है। अब एसिड में, एसिड का एक पार्टिकल है बच्चों, ये एक पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल। तो एसिड के और भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये पानी की बोतल हो गई, तो पानी में आप इतना पानी देख रहे होंगे, पर इतना पानी भी बहुत होता है। एक पानी के पार्टिकल में 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक पानी के पार्टिकल में, तो इसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिएक्टेंट की साइड में अगर सिंगल में भी गैस लिखी हो, अगर रिएक्टेंट के साइड में सिंगल में भी गैस लिखी हो, लेकिन प्रोडक्ट में आप उसे ऑटोमेटिकली डबल करके लिखोगे, इतना ध्यान रखना, कसम खा लो ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में अगर ऑक्सीजन ऐसे फ्रीली है, ऑक्सीजन है, कभी कभी रिएक्शन में मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट में हमें ऑक्सीजन को O2 लिखना है, क्या लिखना है, O2। कभी फ्लोरीन अगर रिएक्टेंट में F मिल गया, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में F2 लिखना है जब भी रिएक्शन होगी, और क्लोरीन मिलेगा तो क्या लिखना है, Cl2, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास H है, यहाँ पे आपके पास H है, लेकिन H यहाँ पे आपको H2 लिखना है, H आपको यहाँ पे क्या लिखना है, H2, ड्यू टू स्टेबिलिटी के लिए ये करना ही करना पड़ेगा। और जी फिर उसके बाद ये तो अनबैलेंस हो जाएगी, तो बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो H2 हो जाएगा, ठीक है, H2 हो जाएगा, और क्लोरीन आपका 3 है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 लगाओगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बच्चों आपको 6 लगाना पड़ेगा, फिर 6 लगाओगे, देखो ये आपका 2 लगाया, एल्यूमिनियम दो हो गए, ठीक है, 2 3 जा 6, क्लोरीन 6 हो गए बच्चों। अब इस एक क्लोरीन को 6 कैसे बनाऊं, तो 6 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्लोरीन तो 6 हो गए पर हाइड्रोजन भी 6 हो गए। अब इस हाइड्रोजन को 6 कैसे बनाऊं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, हो गई बैलेंस। तो इस तरीके से बच्चों हम रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ और रिएक्शन करने के लिए देता हूँ, वो आप करिए, ठीक है, ट्राई। हाँ जी बच्चों, आ गए आपके टॉपिक में, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जगह क्यों छोड़ी है बताता हूँ आपको, जगह इसलिए छोड़ी है, आपका काम है सॉलिड लिखो, एक्वस लिखो, ठीक है, पूरा नीचे पहले नाम लिखो तब स्टार्ट करोगे। तो स्टार्ट करो रिएक्शन को फटाफट करना, सॉलिड लिखो, एक्वस लिखो। तो बच्चों यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे, आयरन होता है बच्चों, ये हमारा आयरन, ठीक है। यहाँ पे एक्वस लिखेंगे डाइल्यूट, यहाँ पे एक्वस लिखेंगे डाइल्यूट, यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे सॉलिड कैल्शियम होता है, एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, यहाँ पे एक्वस लिखेंगे डाइल्यूट, नीचे लिखो या ना लिखो, एक्वस लिख चुके हो, ये सॉलिड होता है, ये एक्वस होता है, ठीक है, समझ गए। अब रिएक्शन करते हैं, चलो फटाफट रिएक्शन करते हैं। तो ये पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, ठीक है,
तो आयरन SO4 आयरन से जुड़ जाएगा, दो से दो कट जाएगा तो क्या बनेगा FeSO4, और ये बच्चों ग्रीन कलर का बनता है आपका, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं आयरन सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बाहर, हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बाहर, ठीक है आगे समझ में, रिएक्शन आ गई समझ में, ओके आगे करते हैं। कैल्शियम 2 पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है तो क्लोरीन नेगेटिव क्या करता है, क्लोरीन कैल्शियम से जुड़ेगा और यहाँ पे खेल होगा वैलेंसी का, ये प्लस 2 और ये माइनस 1, क्रॉसिंग करके क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई इधर 2 की मल्टीप्लाई इधर, तो ये बनेगा CaCl2, क्या बन जाएगा बच्चों CaCl2, और H तो एक है, क्या मैं यहाँ पे H2 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है तो H2 गैस, क्योंकि हर चीज अपने में स्टेबिलिटी पाती है, और अगर किसी ने स्किप करके देखा है तो भैया 17 मिनट वाला देख ले जरा, तो 17 से 18 मिनट के बीच में मैंने कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बताया। 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव वाला कहां जुड़ेगा इस पॉजिटिव पे, तो Al हो गया 3 पॉजिटिव, SO4 हो गया -2, क्रॉसिंग करके क्या बनेगा 2 इधर 3 इधर, तो ये बन जाएगा आपका Al2SO43, Al2SO43 और हाइड्रोजन गैस क्या हो गया बाहर, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया बाहर, ये हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई, ठीक है एक्वस नीचे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब आ जाओ नीचे यहाँ पर कॉपर वाले हिस्से में, तो चले करें रिएक्शन, तो करते हैं रिएक्शन, ये हो गई आपकी 2 पॉजिटिव, ये हो गया प्लस और माइनस, और ये इधर जुड़ने की कोशिश करेगा, क्लोरीन नेगेटिव यहाँ पे जुड़ने की कोशिश करेगा, कॉपर भी थोड़ा इधर मारने की कोशिश करेगा, हेल्प करेगा कि मुझे जोड़ लो, पर बच्चों कुछ होगा नहीं, बताओ क्यों। अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज देखो, कॉपर आ रहा है इधर जो कि होता है लेस रिएक्टिव, और हाइड्रोजन होता है उसके हिसाब से मोर रिएक्टिव, तो कॉपर हो गया लेस रिएक्टिव और हाइड्रोजन हो गया मोर रिएक्टिव, तो कभी भी लेस रिएक्टिव वाला मोर रिएक्टिव वाले को अपनी जगह से हटा नहीं सकता, तो नो रिएक्शन, ये हो गया बच्चों लेस रिएक्टिव, ये हो गया लेस रिएक्टिव और ये हो गया हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव, तो हाइड्रोजन को भी हटाने के लिए इसको ज्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम को देखो, एल्यूमिनियम तो बच्चों इधर आ रहा है ना, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव उसके हिसाब से, एल्यूमिनियम के हिसाब से, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को हटाएगा और सल्फेट से जुड़ जाएगा, ठीक है लेकिन यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाएगी क्योंकि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को हटा नहीं पाएगा, तो यहाँ पे होगी बच्चों नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो गई, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। और यह भी ध्यान रखना है कॉपर कभी भी एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, कॉपर कभी भी एसिड से रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना है इतना, ठीक है तो मैं मिटा देता हूं, आप इसको नोट डाउन कर लिया, फिर मैं मिटा देता हूं इसको। ओके पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चों हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, छलांग मारते हैं जल्दी जल्दी दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, दूसरी प्रॉपर्टी एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। ओके तो सेकंड प्रॉपर्टी एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओहो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बोलते हैं इसे, ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है तो दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो एसिड जो है बच्चों वो एसिड जो है वो आपका कार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा, और किससे रिएक्शन करेगा आपका बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा, और बनाएगा आपका CO2 गैस बनाएगा बच्चों, ठीक है तो देखते हैं कैसे करेगा, आप हेडिंग नोट करिए पहले। ओके स्टूडेंट्स गेट रेडी फॉर न्यू रिएक्शंस,
एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यस, हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले सोर्स लिख लेते हैं रिएक्शन का, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कार्बोनेट इस्तेमाल करना है, कार्बोनेट का मतलब किसी भी चीज में CO3 प्रेजेंट होना, क्या प्रेजेंट होना, CO3 प्रेजेंट होना। तो एक तो हमारा सोडियम कार्बोनेट में प्रेजेंट होता है CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं बच्चों, सोडियम कार्बोनेट ठीक है। और क्या बोलते हैं, Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। या तो आप बाइकार्बोनेट को भी यूज कर सकते हो, तो बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट हो बच्चों, क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन। तो देखो जैसे सोडियम में हाइड्रोजन प्रेजेंट हुआ तो ये बन गया मेरा, तो इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोल लो, या तो इसका एक और नाम होता है वो बोल लो, एक और नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। या तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट बोलो या तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम सेम है ठीक है। हालांकि अलग अलग नाम से रहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखो सोडियम बाइकार्बोनेट भी NaHCO3 होता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी NaHCO3 ही बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों आपका और सोर्स इस्तेमाल हो सकते हैं रिएक्शन के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट इस्तेमाल कर लो ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट कहां से मिलेगा भाई, इतना ढेर सारा केमिकल, तो एग शेल ले लो ना, एग शेल्स ठीक है। अब मैंने जानबूझ के एक्सेल इसलिए लिखा है क्योंकि सीबीएसई में पूछा जाता है हमेशा, याद रखना, ध्यान रखना, दिमाग में घुसा लो अपने ये वाली बात, एग्सेल वाली, एग्सेल वाला क्वेश्चन आता है पेपर में ठीक है इस रिएक्शन से। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब मुर्गी अंडा देती है तो मुर्गी के ऊपर की जो शेल होती है बच्चों वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई रहती है, किसकी बनी हुई रहती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका ये होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होगा, ऐसे टू लगा देंगे यहां पे, ऐसे टू लगा देंगे ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बच्चों ऐसे यहां पे टू लगा देंगे, टू क्यों लगाया उसके बारे में सुनो, ये कैल्शियम हो गया और ये HCO3 हो गया, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस टू होती है, HCO3 की माइनस वन होती है। तो जब क्रॉसिंग कराएंगे बच्चों तो क्रॉसिंग करके क्या बनेगा, CA और ब्रैकेट में HCO3 और बाहर दो आ जाएगा, इसको बोलेंगे बच्चों कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठीक है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट में तो नहीं लगा क्योंकि सोडियम की वैलेंसी वन होती है तो NaCO3 बनेगा फॉर्मूला, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपका टू भी लगेगा यहाँ पर ब्रैकेट में, तो ये बना आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो या तो आप ये यूज करिए या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं इसे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, अब बच्चों चलो रिएक्शन करते हैं इसकी। तो बताओ किससे करें रिएक्शन, क्योंकि बहुत सारी चीज आ गई यहां पे, एक से रिएक्शन दिखा दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दूसरे से भी दिखा देंगे उसकी भी कोई बात नहीं है। तो चलो ऐसा करते हैं, एग शेल वाला इंपॉर्टेंट है तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन दिखा देता हूं इसकी। तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन दिखाते हैं इसकी, सबसे फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है बच्चों हमारे पास ठीक है, और सॉलिड होता है नेचर में, सॉलिड होता है, ऐसा समझ लो कि मैंने एग शेल्स ही ले लिए, मैं बिल्कुल उसी क्वेश्चन के पैटर्न से सिखा रहा हूं आपको। आपके पेपर में क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके पेपर में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन इफ एग शेल्स, एग शेल को क्रश करके अगर एसिड में डाल दो तो क्या होगा, तो एग शेल को क्रश करके अगर एसिड में डाल दो, बताओ कौन सा एसिड लूं, तो एसिड ले लो HCl, कोई दिक्कत की बात नहीं है, H2SO4 भी ले सकते हो, तो HCl एक्वस ठीक है, ये हो गया मेरे पास, आप जानते हो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है टू पॉजिटिव, क्लियर हो गया इतना ठीक है। और जब भी, चलो कार्बोनेट के बारे में भी बताऊंगा, पहले ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, तो कैल्शियम आपका बच्चों क्लोरीन से जुड़ जाएगा, कैल्शियम आपका किससे जुड़ जाएगा, क्लोरीन से, और क्या बनाएगा CaCl2, क्या बनाएगा CaCl2, ध्यान रखना क्या बनाएगा बच्चों CaCl2, और साथ में क्या बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, देखो ध्यान से सुनते रहो, बाद में बच्चों ये बच्चा मेरे पास CO3 बचा और H पॉजिटिव बचा,
लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप इसे मिक्स होकर कुछ बन जाए, क्योंकि CO3 नेगेटिव होता है नेचर में अनस्टेबल, तो नेचर में अनस्टेबल होने की वजह से वो अपने आप को स्टेबल कैसे बनाता है, वो अपने में से एक ऑक्सीजन निकाल देता है और CO2 बन जाता है, वो अपने में से एक ऑक्सीजन निकाल देता है और क्या बन जाता है, CO2। तो CO3 के बच्चों ये कहानी है, एक कहानी है जो ये वाली है बच्चों कि CO3 नेगेटिव जो होता है वो नेचर में अनस्टेबल होने के कारण अपने में से एक O निकाल देता है, तो अपने में से एक O उसने निकाल दिया, तो CO3 में से अपने में से जब उसने O निकाल दिया तो वो अपने आप को स्टेबल बना देता है CO2 गैस बनाकर, क्या बनाकर, CO2 गैस। तो CO3 में से क्या निकल गई, CO2 गैस भी बाहर निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या निकल गई, बाहर। इसको चलो मैं अभी यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई बाहर गैस, ठीक है, और बचा मेरे पास H और O, बचा मेरे पास H और O, CO3 में से एक O बच गया मेरे पास, तो यहाँ पे H क्या हो गई बच्चों, वैलेंसी +1, O की वैलेंसी क्या हो गई -2, क्रॉसिंग करके क्या बनेगा बताओ, पानी, तो ये बन गया H2O, लिक्विड बन गया बच्चों हमारे पानी, ठीक है, पानी बन गया, एक्वस बन गया, एक्वस बन गया आपका। तो इस तरीके से बच्चों हम रिएक्शन दिखा सकते हैं, इस तरीके से हम रिएक्शन को ऑल ओवर दिखाते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस यह है कि CO2 के मुझे यहां पे ब्रिस्क एफरवेंस मिलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस, ब्रिस्क एफरवेंस क्या होता है बच्चों, ब्रिस्क एफरवेंस झाग मिलते हैं, पूरी रिएक्शन में झाग झाग मिलेंगे, देखो यहां पे ब्रिस्क एफरवेंस को, तो इस तरीके से पूरी टेस्ट ट्यूब में या पूरे बीकर में आपके क्या हो जाएंगे, झाग ही झाग हो जाएंगे। तो बबल्स, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स को उस समय पे क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस, क्या बोलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस। तो CBSE वालों, तुम्हारे पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग शेल को जब डालते हैं तो किसी गैस के ब्रिस्क एफरवेंस मिलते हैं, उस गैस के बारे में बताइए कि वो गैस कौन सी है, तो आप जनरली बोल सकते हो CO2 गैस है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं विद प्रूफ बताओ, तो विद प्रूफ बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं विद प्रूफ बताता हूं कि कैसे बताना है, इतना नोट करो पहले, ठीक है। तो विद प्रूफ बता देते हैं जरा आपको, ये पूरा नोट कर लो, फिर मैं सारी रिएक्शन आपको एक साथ कराऊंगा। देखो सबसे फर्स्ट मैंने रिएक्शन कराई आपको CaCO3, क्योंकि ये एग शेल में मिलता है, किसमें मिलता है, एग शेल्स को क्रश कर दोगे तो उसमें मिलता है, ठीक है। और HCl से रिएक्शन कराई थी, तो HCl से बन गया था मेरा CaCl2, अभी सिखा दिया कैसे बना था, H2O और CO2, और CO2 के यहाँ पे क्या मिलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस, क्या मिलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंसेज मिलते हैं बच्चों को, क्या मिलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंसेज। लेकिन वो ब्रिस्क एफरवेंस से खुश नहीं है, उसको समझाना है, उसको बताना है कि एक और टेस्ट बताओ जरा कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों हम पहले टॉपिक से ही पढ़ते आ रहे हैं एक और टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का, तो अगर हम करते हैं टेस्ट ऑफ CO2, तो सबसे पहला टेस्ट जो बच्चों निकल के आता है वो है लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। आप लोग जानते हो लाइम वाटर टेस्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी लौती गैस है, जैसे हाइड्रोजन पॉप साउंड देती है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी लौती गैस है जो लाइम वाटर से रिएक्ट करके लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, लाइम वाटर से रिएक्ट करके लाइम वाटर को क्या बना देती है, मिल्की। तो चलो उस मिल्कीनेस को पढ़ते हैं, पेपर में मिल्कीनेस का फॉर्मूला पूछा जाता है कि वो जो मिल्की मिल्की बनाए कि उसका फॉर्मूला क्या है असल में। तो चलो पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, लाइम वाटर क्या होता है बच्चों मेरा, तो मेरा लाइम वाटर होता है CaOH2, इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों लाइम वाटर है। अच्छा इसके बारे में बता देता हूँ कैसा बनाइए, अगर लाइम वाटर पूछोगे तो लाइम वाटर बता देता हूँ कैसा बनाइए। आप क्विक लाइम लेते हो ना बच्चों, क्विक लाइम मतलब सूखा हुआ चूना, क्विक लाइम मतलब सूखा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर बच्चों आप इसको पानी में डालोगे, किसमें डालोगे, वाटर में डालोगे, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा, स्क्लेड लाइम मिलेगा, क्या बच्चों मिलेगा आपको, स्क्लेड लाइम, स्क्लेड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब आपको लाइम वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइम वाटर, ये मिलेगा आपको CaOH2 का एक्वस, मिलेगा आपको लाइम वाटर, रेडी हो गया आपका लाइम वाटर, ठीक है। किस लिए रेडी हो गया आपका लाइम वाटर, आपका लाइम वाटर रेडी हो गया है ताकि CO2 की पहचान कर सके, किसकी पहचान कर सके, CO2 की पहचान कर सके बच्चों। तो सेकंड, चलो इसको ले लेते हैं यहाँ पे अपने सिकंजे में, ये हो गया आपका स्क्लेड लाइम,
और स्केलेटल लाइम रिएक्ट करेगा बच्चों CO2 से, किससे रिएक्ट करेगा, CO2 गैस से रिएक्ट करेगा, CO2 गैस से रिएक्ट करेगा। तो देखो बच्चों क्या है, कैसा है वो सब समझो। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि CA तो आपका 2 पॉजिटिव होता है नेचर में, लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो दिक्कत आ गई यहाँ पे, कोई नेगेटिव नहीं है ना यहाँ पे, तो CA2 पॉजिटिव किससे जुड़े, तो प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, CO2 पॉजिटिव जुड़ेगा नहीं। तो और एक और दिक्कत यहाँ पे ये है कि ORH होल टॉइस 2 में, इसका मतलब समझो बच्चों, OH2 का होने का मतलब ये है कि O मेरे पास 2 है और हाइड्रोजन मेरे पास 2 है, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो 2 ऊर्जा 2 और 2 हाइड्रोजन 2, तो मतलब ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन मेरे पास 2 है और हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं 2 है। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले पानी बाहर निकालना है। मैंने बताया आपको कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, चलो वाटर बाहर निकालो यहाँ से। तो वाटर में 2 एच होते हैं और एक ओ होता है, 2 एच होते हैं और एक ओ होता है, तो क्या बाहर निकल गया, एच टू ओ बच्चों बाहर निकल गया, एच टू ओ बच्चों क्या निकल गया, बाहर उड़ जाता है, गैस बन जाता है एच टू ओ, ठीक है, तो एच टू ओ बाहर हो गया। अब आप बताइए क्या बचा है यहाँ पर, क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 निकल गए, ऑक्सीजन 2 में से एक ऑक्सीजन निकल गया। अब जब 2 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो एक ऑक्सीजन तो बच गया ना, तो यहाँ पे टोटल अभी क्या बचा है मेरे पास, CaO बचा है, क्या बचा है, CaO, ठीक है, CaO बचा है, टोटल मेरे पास CaO बचा है, और CaO बच्चों इधर जुड़ जाता है और O और O आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, O3, O और O2 मिलकर आपस में क्या बना देते हैं, O3, तो क्या बनेगा बच्चों, CaCO3, इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको बच्चों मार्बल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मार्बल। तो यूके बोर्ड में आने वाला सवाल कि राइट द फॉर्मूला ऑफ मार्बल, तो याद रखना फॉर्मूला ऑफ मार्बल है CaCO3, क्या होता है, CaCO3। और बच्चों इसी से ही बनने से, इसके ही बनने से मिल्कीनेस आती है, इसी से बनने से मिल्कीनेस आती है, क्लाउडीनेस आती है, ठीक है। तो जब भी आपके पेपर में पूछा जाएगा कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट दो, तो लाइम वाटर से आप टेस्ट दे सकते हो और इस तरीके से आप बता सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जब कहाँ जाएगा, स्केलेट लाइन में जाएगा, कहाँ जाएगा, स्केलेट लाइन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड स्केलेट लाइन में जाएगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि मिल्कीनेस देता है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों पहचान है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों क्या है, पहचान है एक तरीके से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, हमने टेस्ट कर दिया, टेस्ट भी कर दिया बच्चों हमने, ठीक है, ओके। तो मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ बिल्कुल रिलेटेड इससे, पहले मैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाली समझा दूँ, फिर सोडियम वाली आप खुद करने की कोशिश करना एक बार, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से करा दो, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से करा दो। तो यहाँ पे आपको पता है 2 पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो CA2 पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, Cl नेगेटिव से, CA2 पॉजिटिव किससे जुड़ेगा, Cl नेगेटिव से, और क्या बनाएगा, CaCl2, क्या बनाएगा, CaCl2, क्लियर हो गया इतना, CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनाएगा बच्चों, और क्या बनाएगा, देखो सुनो, ये H यहाँ से निकला, ये H यहाँ से निकला, इसमें से एक O निकलेगा, ये H यहाँ से निकला, ये H यहाँ से निकला, और यहाँ से क्या निकलेगा, एक O निकलेगा। तो बताओ टोटल मिलके क्या बन गया, टोटल मिलके बन गया HOH, HOH को बच्चों पानी बोलते हो, तो H2O भी निकल गया आपका, पानी भी निकल गया। और बताओ जब क्या बचा, CO3 बच्चों अनस्टेबल होता है ना नेगेटिव में, मैंने बताया था आपको कि ये CO2 बना लेता है और O बना लेता है, वही O दोनों हाइड्रोजन से जुड़ के पानी बन के बाहर हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, मेरे पास CO2 गैस बची, जिसके मुझे ब्रिस्क एफरवेंस मिलते हैं, जिसके मुझे क्या मिलते हैं, ब्रिस्क एफरवेंस, क्या मिलते हैं बच्चों, ब्रिस्क एफरवेंस। तो दो रिएक्शन आप करके दिखाओ, ऐसे ही दो रिएक्शन आप करके दिखाओ, ठीक है, एक करके दिखाओ सोडियम कार्बोनेट की Na2CO3 की, और इस बार मैं एसिड चेंज कर रहा हूँ, इस बार मैं एसिड ले रहा हूँ आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इससे करके दिखाओ जरा, ठीक है, और NaHCO3 और इससे करके दिखाओ जरा H2SO4 एक्वस, चलो करके दिखाओ फटाफट फटाफट, वीडियो को पॉज करो करके दिखाओ इसे, वीडियो को पॉज करो करके दिखाओ इसे, बिल्कुल कैल्शियम की तरह होगी, बिल्कुल कैल्शियम की तरह होगी, बिल्कुल सेम टू सेम कैल्शियम की तरह,
ठीक है। चलो चेक करते हैं, सोडियम यहां दो से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है, यहां नीचे के इससे कोई मतलब नहीं होता हमको। तो सोडियम है पॉजिटिव, SO4 होता है टू नेगेटिव, ये सबको मालूम है, और ये पॉजिटिव। तो सोडियम पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? SO4 से। सोडियम पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? SO4 से जुड़ेगा। तो ये सोडियम पॉजिटिव SO4 से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बताओ Na पॉजिटिव SO4 टू नेगेटिव, ये प्लस वन और ये माइनस टू, क्रॉसिंग करके क्या बनेगा? टू की मल्टीप्लाई उधर, वन की मल्टीप्लाई इधर, तो बन जाएगा Na2SO4। बच्चों क्या बन जाएगा? Na2SO4, यस Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और जैसे कि मैंने आपको नॉर्मली बताया CO3 का केस, भाई CO3 जो होता है अपने आप में नेगेटिव में अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने की वजह से वो CO2 और O में टूट जाएगा, तो CO2 में वो स्टेबल हो जाएगा। तो CO2, चलो अभी लिखूंगा, पहले हाइड्रोजन का केस देख लो, ये H2 किससे जुड़ जाएगा? O से, और क्या बनाएगा? H2O और साथ में CO2 गैस, ब्रिस्क एफरवेंस मिलेंगे बच्चों। क्या मिलेंगे? ब्रिस्क एफरवेंस। इसमें भी झाग झाग मिलेंगे हमें, इसमें भी हमें ब्रिस्क एफरवेंस यानी कि झाग झाग मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ इस वाली पे, NaHCO3, तो ये पॉजिटिव और ये टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो जी सोडियम जुड़ गया SO4 से, तो Na2SO4, Na2SO4, और केस बताया था मैंने आपको, ये H हो गया, दो से मतलब नहीं होता बच्चों, ठीक है, पता है आपको, बैलेंस कर लेना बाद में, और ये O हो गया, तो दो तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? H2O, तीनों मिलकर H2O बनाएंगे, और इसमें से एक O निकल गया, एक एक कार्बन बचा, तो ये बन गया आपका CO2 बच्चों। क्या बन गया? CO2 गैस। ब्रिस्क एफरवेंस मिलेंगे बच्चों आपको। तो क्लियर हो गई रिएक्शन। तो इसकी थ्योरी लिखनी है बच्चों मुझको, कि वैन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट इट गिव्स ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ CO2 गैस, ठीक है, इट गिव्स ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ CO2 गैस। तो बच्चों क्लियर हो गया आपको, रिएक्शंस क्लियर हो गई, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर एग शेल वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो बच्चों एग शेल वाला क्वेश्चन है तुम्हारा सीबीएसई के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में काफी बार आ चुका है। व्हाट हैपन व्हेन crushed egg shells put into the acid। अब एसिड आपका HCl भी हो सकता है, एसिड आपका H2SO4 भी हो सकता है, ठीक है, एसिड आपका HCl भी हो सकता है और एसिड आपका H2SO4 भी हो सकता है। चलो करते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन की रिएक्शन क्या होगी? एग शेल बच्चों क्या कंटेन कर सकता है? एग शेल्स कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, एग शेल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ब्रिस्क एफरवेंस ऑफ CO2 गैस। ओके बच्चों, ठीक है, डेफिनेशन लिख दी हमने CO2 गैस। अब जल्दी जल्दी फटाफट इसकी रिएक्शन कर लेते हैं। तो क्या होता है इसके अंदर? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो लिखो CaCO3, दो एसिड से रिएक्शन करके दिखा दो, टीचर को खुश कर दो, ठीक है, टीचर आपको मार्क्स देगा, अच्छे अच्छे मार्क्स देगा। ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया, चलो फटाफट करके दिखाओ, ठीक है, रिएक्शन करो फटाफट। ये टू पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये टू पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या टू नेगेटिव। SO4 के ऊपर टू नेगेटिव वैलेंसी होती है, यू नो डेट वेरी वेल। तो Ca प्लस टू वैलेंसी, SO4 माइनस टू वैलेंसी, क्रॉस करके टू से टू कैंसिल, क्या बनेगा? CaSO4, ठीक है, CaSO4 बन जाएगा, ठीक है। और यहां से CO3 होता है अनस्टेबल,
नेगेटिव में, तो CO2 बन के बाहर हो जाएगा, बचेगा एक ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन इस H2 से जुड़ के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा बच्चों, ठीक है। और CO2 यहां पर हो गया, CO2 गैस, ब्रिस्क एफर्वेंस मिलेंगे इस गैस के, ठीक है। और इसकी चलो यार खुद कर लेना, ठीक है, बहुत हो गया, ओके। तो इसको कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, क्रश एग वाला क्वेश्चन, तो मिटा दूं इसे। अब बच्चों करते हैं आपका नेक्स्ट रिएक्शन, जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन कर लिया हमने कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, दूसरी रिएक्शन भी कर लिया, जब जब एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, तीसरी रिएक्शन थर्ड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड आपका बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, सॉल्ट और वाटर बनाएगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो चलो चेक करते हैं सॉल्ट और वाटर को बच्चों, कोई भी एसिड अपने नाम से बताओ, कोई सा भी, तुम्हारा नाम भी हमें नहीं पता, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बताओ, चलो H2SO4 भी ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। कोई बेस ले लो बच्चों, एसिड तो ले लिया, बेस भी लेना है हेडिंग के हिसाब से, तो बेस ले लो बच्चों NaOH, ठीक है। एक्वस लेना है, पानी मिक्स वाला लेना है, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो इसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है, इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। उसके बाद KOH बच्चों, एक्वस, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और कुछ नहीं बोलते इसे, बस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया टू नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। चलो करते हैं रिएक्शन, करके दिखाओ, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने मेंशन कर दिया, अब आप इसको करके दिखाओ, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा है बच्चों। चलो करते हैं, Na पॉजिटिव किस पे जुड़ेगा, Cl पर, तो क्या बनाएगा, NaCl, क्योंकि बच्चों Na की वैलेंसी प्लस वन, Cl की वैलेंसी माइनस वन, तो क्रॉसिंग करके क्या बनेगा, NaCl, कोई नंबर वंबर नहीं आने वाला है, ठीक है। और H पॉजिटिव जुड़ेगा OH से, H पॉजिटिव जुड़ेगा OH से, तो क्या बनाएगा, HOH बनाएगा बच्चों, HOH को आप बोल सकते हो पानी बनाएगा, क्या बनाएगा, वाटर। तो ये आपका नमक बन जाएगा बच्चों, ये आपका क्या बन जाएगा, नमक बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ये आपका सॉल्ट बन जाएगा, नीचे बैठ जाएगा सॉल्ट, और ये आपका वाटर बन जाएगा, क्लियर हो गया। आ जाओ इधर, इसको करो, K पॉजिटिव जुड़ेगा SO4 टू नेगेटिव से, तो K तो भाई आपको मालूम है कि K की प्लस वन वैलेंसी होती है, SO4 की कितनी होती है, SO4 की माइनस टू होती है, क्रॉसिंग करके क्या बनेगा, क्रॉसिंग करके बनेगा K2SO4, क्या बनेगा, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं बच्चों इसे, पोटेशियम सल्फेट, और H2 इसके साथ जुड़ के क्या बनाएगा, HOH, HOH को क्या बोलते हैं, H2O, ठीक है, ये आपका लिक्विड बन जाएगा बच्चों। तो ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर, ये बन गया सॉल्ट और ये बन गया वाटर। तो इस रिएक्शन को बच्चों के स्पेशल नाम से बोला जाता है, वो स्पेशल नाम क्या है बच्चों, इसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है बच्चों से। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अलग से क्वेश्चन बन के आता है बच्चों की, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल्स, तो क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट्स एग्जांपल्स, एग्जांपल बच्चों ये दोनों ही नोट कर लेना। तो द रिएक्शन इन विच, ठीक है, बोलो मेरे साथ, ऑनलाइन पढ़ने का ये फायदा होना चाहिए, ठीक है, अगल बगल पापा मम्मी बोलेंगे क्या देख रहा है ऐसे जो बोल भी रहा है साथ में, तो बोलो, ठीक है, द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसमें, द रिएक्शन इन विच
एसिड एंड बेस द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट एंड वाटर. तो क्लियर हो गया बच्चों, आपको सॉल्ट और वाटर बनाएगा और ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, दोनों के दोनों एग्जाम्पल. ठीक है, तो बच्चों इतना आपका तीसरा टॉपिक भी हो चुका है, इसमें कुछ खास नहीं था, बस ये रिएक्शन आ सकते हैं पेपर में. ठीक है, और इतना ध्यान रखना. चौथी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी करते हैं बच्चों फटाफट. प्रॉपर्टीज हमें सारी करनी है. केमिकल प्रॉपर्टी, इससे अच्छे तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, तीन लाइनें निमट गई थी, पर क्वेश्चन तो बच्चों तभी तो केमिकल प्रॉपर्टी से आता है क्योंकि बड़ी है केमिकल प्रॉपर्टी. तो फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. बच्चों मेटल ऑक्साइड का मीनिंग क्या हो गया? मेटल ऑक्साइड का मतलब कोई मेटल होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ. तो ज़्यादातर मेटल कौन कौन होते हैं ऑक्सीजन के साथ? सभी होते हैं लगभग. MgO हो गया ऑक्सीजन के साथ है, ये मेटल है, ये ऑक्सीजन है. CuO हो गया मेटल है, ऑक्सीजन है. ZnO हो गया मेटल है, ऑक्सीजन है. Al2O3 हो गया मेटल है, ऑक्सीजन है. तो ये सारे मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों. तो जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो उसे मेटल ऑक्साइड बोलना शुरू कर देते हैं बच्चों. क्या बोलना शुरू कर देते हैं? मेटल ऑक्साइड. तो ये सारे एग्जाम्पल आपके मेटल ऑक्साइड के हैं. तो मेटल ऑक्साइड अगर किससे रिएक्शन करेगा? एसिड से. तो चलो करा देते हैं. तो सबसे पहले MgO से कराते हैं. ठीक है, CuO से भी करा देते हैं और ZnO से भी करा देते हैं, Al2O3 से भी करा देते हैं. इसकी HCl से कराऊंगा. ठीक है, डाइल्यूट लिख दो तो बगल में एक्वस लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको. H2SO4 से कराऊंगा मैं इसकी एक्वस. ठीक है, और इसकी HCl से कराऊंगा एक्वस, इसकी H2SO4 से कराऊंगा एक्वस. चलो बच्चों कराओ रिएक्शन, फटाफट करो रिएक्शन, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको. करो तो बच्चों. चलो देखो, Mg जो है मैग्नीशियम, आप जानते हो कि मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव होती है वैलेंसी, और हाइड्रोजन की क्या होती है? +1 -1, और इसकी क्या होती है? -2. ऑक्सीजन की -2 होती है बच्चों. ठीक है, तो ये क्या करेगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरीन से जुड़ेगा और क्या बनाएगा? MgCl2. क्या बनाएगा? MgCl2, और साथ में H और O आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? H2O. तो ये आपका लिक्विड बन के बाहर हो जाएगा. तो ये भी क्या बना बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर. क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर. तो एक बार को हम ये बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड में सब मेटल आ गए जो भी ऑक्सीजन से जुड़े हुए होंगे. मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर. जैसे अभी न्यूट्रलाइजेशन पड़ी थी कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, वैसे ही मेटल ऑक्साइड और एसिड आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएगा. ठीक है, इसके देखो बच्चों, CO2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, ये O, 2 नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव. तो कॉपर सल्फेट से जुड़ के क्या बनाएगा? CuSO4. ठीक है, CuSO4, ये सॉल्ट बन गया बच्चों आपका, और ये क्या बन जाएगा? H2O. ये सॉल्ट बन गया और ये क्या बन जाएगा? H2O. क्लियर, क्लियर हो गया बच्चों आपका? ये एक्वस हो गया, ये एक्वस हो गया. ओके, आ जाओ. ये इसकी 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, इसकी 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव और 2 नेगेटिव. ये खुद करोगे आप, होमवर्क है आपके लिए, ये खुद करोगे, होमवर्क है आपके लिए. ठीक है, खुद करेंगे आप ये. ओके बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई बच्चों खत्म. यही केमिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी थी, और भी केमिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, जैसे एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, जला देता है हाथ को, तो वो नॉर्मली है, लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती थी उतनी मैंने आपको करा दी है. अब मुझे एक क्वेश्चन और कराना है कि सारे एसिड में कॉमन क्या होता है. वाई शायद मैंने करा दिया कि नहीं कराया, याद नहीं है मुझे. ठीक है, तो देखना पड़ेगा एक बार कि एसिड में कॉमन क्या है. तो वट डू
ऑल एसिड्स हैव कॉमन, सारे के सारे एसिड में बच्चों कॉमन क्या है, कॉमन हमको मालूम होना चाहिए कि कॉमन क्या है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे HCl है मेरे पास, H2SO4 है मेरे पास, HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चों इसे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जैसे CH3COOH हो गया, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड। और H2CO3 हो गया बच्चों, इसे कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जो आपका जो आपका उसमें यूज होता है, किसमें यूज होता है, किसमें, जल्दी जल्दी बोलो, किसमें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के साथ कार्बोनिक एसिड डाला जाता है बच्चों आपका, ताकि आपकी जीभ में छलांग लगे, आपकी जीभ जल जाए। अच्छा देखो, ठीक है, तो बच्चों ये सारे के सारे एसिड है, तो ये सारे के सारे एसिड जो है बच्चों, ये पानी में जाके क्या देंगे आपको, ये आपको देंगे एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, ये टूट जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी टूटेगा आपका 2H पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में, ये भी टूटेगा आपका H पॉजिटिव में और NO3 नेगेटिव में, ठीक है। ये भी टूटेगा आपका CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, ये पीछे से टूटता है, ठीक है, कारण शायद मैंने बता दिया था आपको। और ये 2H पॉजिटिव और CO3 नेगेटिव। Why, what do all acid in common? तो सारे के सारे एसिड में क्या कॉमन है बच्चों, हाइड्रोजन आयन कॉमन है, क्या कॉमन है, हाइड्रोजन आयन कॉमन है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको, इतना क्लियर हो गया। तो बच्चों और कुछ बच्चा नहीं है टॉपिक में, इतना ही टॉपिक था, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और पहला पार्ट तो इंडिकेटर के बारे में, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट एसिड के बारे में बन गया। अब बच्चों जो चौथा पार्ट आएगा वो पूरा बेस के बारे में होगा, बेस उसमें ख़त्म करेंगे। और पांचवें पार्ट या छठे पार्ट में, दो पार्ट में वो वीडियो बन जाएगी, वो बच्चों सॉल्ट की बनेगी आपकी, ठीक है। तो सॉल्ट को भी हम जल्दी जल्दी कवर अप कर लेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे, चाहे फिजिक्स स्टार्ट कर लेंगे, चाहे तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा या कोई क्वेश्चन डिस्कस करना होगा तो व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।